समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर उस वक्त नारेबाजी होने लगी जब भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री रामहेत भारती पहली बार कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्री के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और सभी 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएंगी। पूर्व मंत्री रामहेत भारती ने कहा कि भाजपा का सफाया करने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा हूं और जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर साइकिल जीतेगी। उनके स्वागत के दौरान फुरकान खान, विजय वर्मा, महेंद्र यादव, जय सिंह यादव, राम बाबू, शिवपाल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद आई इंडिया से क्या बोले मंत्री रामहेत भारती, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप आज का आपका प्रथम आगमन कार्यालय पे हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे भाईचारे की शुरुआत हुई है और राजनीतिक शुरुआत में जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको उखाड़ कर समाजवादी विचारधारा की और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। थैंक यू। आज समाजवादी पार्टी जनपद कार्यालय में हमारे जनपद के माननीय रामहेत जी बाबू जी, जो पहले बार बहुजन समाज पार्टी में 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे हर गांव से, और उसके बाद में भाजपा में गए, उसके बाद 14 तारीख को इन्होंने भाजपा को रिजाइन करने के बाद में समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष लखनऊ में ज्वाइन किया। उसके बाद आज जनपद सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए तो हम लोगों ने उनका अपनी पार्टी की तरफ से और समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से मैंने उनका स्वागत किया और हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी स्वागत किया। माननीय बाबू जी के आने से, मंत्री जी के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आपका 9 विधानसभाओं में प्रभुत्व है और 2022 में हम लोग मिलकर, बाबू जी मिलकर, सब लोग समाजवादी पार्टी की 9 सीटें जिताने का काम हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ पंकज सिंह और मैं हूँ विजय ज्योति, मैं हूँ सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।